इन दिनों टेस्ला के भारत आने की चर्चा जोर पकड़ चुकी है। पहले टेस्ला की एक टीम के जमीन तलाशने के लिए भारत आने की जानकारी सामने आई थी, फिर इलॉन मस्क ने एक ऐसा स्टेटमेंट दिया कि टेस्ला की इंडिया एंट्री तकरीबन कंफर्म हो चुकी है। ऐसा माना जा रहा है कि टेस्ला प्लांट पर इलॉन मस्क भारत में तकरीबन $2 बिलियन का निवेश करेंगे और इसके लिए अलग अलग राज्यों से बातचीत भी जारी है। अब इस मामले में एक बड़ा खुलासा हुआ है। इसमें दावा किया गया है कि टेस्ला और रिलायंस इंडस्ट्रीज के बीच एक ज्वाइंट वेंचर को लेकर चर्चा जोरों पर है और अगर ये बातचीत सक्सेसफुल हो जाती है तो मुकेश अंबानी और इलॉन मस्क मिलकर टेस्ला का प्लांट महाराष्ट्र में लगाएंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक टेस्ला भारत आने के लिए एक डोमेस्टिक पार्टनर की तलाश कर रही है। अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाने के लिए वो तकरीबन एक महीने से रिलायंस इंडस्ट्रीज के साथ गंभीरता से चर्चा भी कर रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों कंपनियों के बीच ये बातचीत फिलहाल इनिशियल स्टेज पर है। मुकेश अंबानी का ऑल्दो ऑटोमोबाइल सेक्टर में उतरने का कोई इरादा नहीं है, हालांकि वो इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने की क्षमता विकसित करने के लिए बेहद उत्साहित है। रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि अभी तक ये डिसाइड नहीं हो पाया है कि जॉइंट वेंचर में रिलायंस इंडस्ट्रीज का क्या कुछ रोल रहने वाला है, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि टेस्ला का प्लांट बनाने और उससे जुड़ा इकोसिस्टम डेवलप करने में रिलायंस पूरी मदद करेगा। हाल ही में दावा किया गया था कि टेस्ला अपना प्लांट गुजरात और महाराष्ट्र समेत कई राज्यों में लगाना चाहता है और इसी के लिए जमीन भी तलाशी जा रही है। कई स्टेट्स उसे प्लांट लगाने के लिए आकर्षक ऑफर्स भी दे रहे हैं। टेस्ला ने कथित तौर पर भारत में अपने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के लिए $2 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करने का प्लान बनाया है। अभी ऐसे में महाराष्ट्र एक अच्छा पसंदीदा स्थान बनकर उभर सकता है क्योंकि वहां पर पोर्ट्स की फैसिलिटीज है, लेकिन अभी तक इस पर कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं लिया गया है। रिपोर्ट्स में आगे इंडिकेट किया गया कि प्लांट के लोकेशन को अंतिम रूप देने और रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के साथ संभावित जॉइंट वेंचर पर चर्चा करने के लिए टेस्ला के सीनियर ऑफिशियल्स के साथ एक टीम जल्द ही भारत का दौरा कर सकती है। वेल, अब तक के टेस्ला को लेकर क्या कुछ अपडेट है अगर हम उसकी बात करें तो टेस्ला की इंडिया एंट्री का इंतजार काफी लंबे समय से हो रहा है और बीते दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिकी दौरे पर टेस्ला के सीईओ इलॉन मस्क और पीएम मोदी की मीटिंग ने इस चर्चा को और भी हवा दे दी थी। कुछ दिनों पहले एक रिपोर्ट में कहा गया था कि टेस्ला इस महीने भारत में एक टीम भेजने का प्लान बना रहा है और ये टीम यहाँ पर कंपनी के फैक्ट्री के लिए जमीन तलाशने का काम करेगी। हाल ही में भारत सरकार ने देश में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के प्रोडक्शन को बढ़ावा देने के लिए एक नई पॉलिसी को तैयार किया था, जिसके अंडर भारत ने कम से कम $500 मिलियन का निवेश करने और लोकल मैन्युफैक्चरिंग करने वाली कंपनीज को इम्पोर्ट ड्यूटी में रियायत दी जाएगी। भारत सरकार के इस नीतिगत बदलाव ने टेस्ला को भारत में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने की योजना पर गंभीरता से विचार करने के लिए प्रोत्साहित किया है। टेस्ला अपने नए प्लांट के लोकेशन पर सावधानी पूर्वक भी विचार कर रही है। हालांकि कोई जगह अभी तक फाइनल नहीं है, लेकिन टेस्ला प्लांट के लिए संभावित लिस्ट में महाराष्ट्र, गुजरात और तमिलनाडु जैसे ऑटोमोटिव हब वाले स्टेट्स पर फोकस किया जा सकता है। और अब इसमें बड़ी खबर ये है कि महाराष्ट्र में अगर वो प्लांट लगाती है तो रिलायंस इंडस्ट्रीज और टेस्ला के बीच में एक ज्वाइंट वेंचर बन सकता है। वीडियो में इतना ही। आपको जानकारी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो गुड रिटर्न्स के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।